आदाब नाज़रीन, आज उर्दू में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र इस्लाम, इस वक्त आप मौजूद हैं आदर्श नगर पंचायत में। बलजाती इंतखाबात के आखिरी मरहले की वोटिंग 11 मई को होनी है। आइए हम बात करते हैं समाज सेवी आकिब सिद्दीकी साहब से कि वो सुबत्ता से प्रत्याशी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, सबसे पहले किन मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? मैदान में चुनावी यही है कि जो भी जनता का जो प्राइमरी मुद्दा है, जो भी जमीनी मुद्दा है, उन सारे मुद्दों को लेकर के हम मैदान के अंदर उतरे हुए हैं। और इस वक्त जो है चुनाव बहुत ही शानदार लड़ रहे हैं और एक तरह से मुझे भी अच्छा लग रहा है और जनता को भी पसंद आ रहा है हमारा चुनाव लड़ने का तरीका। और मुद्दा ये है कि नाली नदान खड़ंजा छोड़ दीजिए, फ्री इंटरनेट लेकर के आ रहे हैं, योजना बहुत सारी चीज़ लेकर के आ रहे हैं, बस की मांग करेंगे अपने वहाँ। बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, कॉल सेंटर लेकर के आ रहे हैं ताकि बिजली की बिल की समस्या हो, चाहे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी रिलेटेड कोई भी समस्या हो जिसके राशन कार्ड से है, उसकी मदद की जा सके। युवाओं और बुज़ुर्गों के लिए क्या है? बुज़ुर्गों के लिए जो भी योजनाएं सरकारी योजनाएं हैं वो उनके तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जो रह जाती हैं दफ्तरों के अंदर हम उसको उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और बुज़ुर्गों के लिए क्या चाहिए, कॉल सेंटर खुला है, फ़ोन घर बैठे करके कोई भी काम कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर मामले का निस्तारण किया जाएगा। आग मऊ मतलब एतमाद आपका, 100% हकीकत पर मबनी खबर, हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना, तो देर किस बात की। अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।